जिसकी कोई नजीर है न जिसकी कोई मिसाल है, वो बेमिसाल शहनशाह हुसैन है। हुक्म सिर्फ खुदा का है दर्स करबला का, मारकाए हक को बातिल में हक को सदाकत और जुरत व शुजात का अलम बुलंद। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की शहादत का दिन, शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत, यौम आशूर आज मजहबी अकीदतों एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ या हुसैन की सदाएं। खुदा ने जिसको मरहबा है नफ़ से मुतमईन कहा, वो करबला का मुस्तफा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, ला इलाहा से पूछ लो के सारी कायनात में सिर्फ बिना यौम आशूर पर लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीर जुलचना का मरकजी जलूस रवायती रास्तों पर गामजन, हजारों आजादारान जलूस में शरीक, गमे हुसैन में नोहा खानी मातमदारी। मरकजी जलूस करबला गाम शाह पहुँच कर एहतिताम पजीर होगा। लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, मेट्रो सर्विस का रूट भी महदूद, 15,000 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूल। जलूस के रास्तों पर छतों पर स्नाइपर्स तैनात, मॉनिटरिंग रूम से तमाम रास्तों की निगरानी, जलूस की हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सेफ सिटी अथॉरिटी के कंट्रोल रूम का दौरा, शहर में अमन अमान की सूरत हाल और जलूस की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम उल हराम के मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा, सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और CCPO भी हमरा। वज़ीर आला का कहना है कि यौम आशूर पर पंजाब हुकूमत ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। यौम आशूर पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार, 6 DSP समेत 354 वारंट्स तैनात, तमाम दफ्तरी स्टाफ और लेडी वारंट्स भी फील्ड में मौजूद। CTO की इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रूट क्लियर रखने की हिदायत, जायरीन के लिए नासिर बाग, दाता दरबार, आई हस्पताल, सेंट्रल मॉडल स्कूल पर पार्किंग के इंतजाम। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से यौम आशूर पर खसूसी इंतजाम, शहर में 50 एम्बुलेंसेज, 276 मोटरबाइक एम्बुलेंस और 900 रेस्क्यू वर्कर्स ड्यूटी पर मामूर, आजादारों की फर्स्ट एड के लिए खसूसी पोस्टें कायम, शहर के 12 अस्पतालों में एमरजेंसी की सूरत में इंतजाम, आजादारों की तिबी इमदाद के लिए जलूस के रास्ते पर 2 सेंटर कायम। जगह जगह दूध और मीठे पानी की सबीले, लंगर और नजर व न्याज तकसीम, हलीम दाल रोटी और बिरयानी की देगे तैयार। पुनारी अनारकली में चेयरमैन हाजी असहाक की जानिब से 50 मन दूध की सबील, जायरीन में दूध तकसीम, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन की जानिब से वसी लंगर का अहतमाम। यौम आशूर पर जाति उमरा में मिलाद शरीफ के इनाकात की तैयारियां, इंतजाम मुकम्मल, MPA मिर्जा जावेद की बेगम कुलसुम नवाज के कब्र पर हाजिरी, फातह खानी फूलों की चादर चढ़ाई। दसवीं मुहर्रम पर शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और फातह खानी, कब्रों की मुरम्मत सफाई सुथराई और फूल रखे गए, लंगर और न्याज तकसीम की जाने लगी। दसवीं मुहर्रम पर दाता दरबार और औलियाए कराम के मजारात पर अकीदतमंदों की हाजिरी, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद बीबी पाक दामन के मजार पर पहुंच गई, शहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए फातह खानी, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं।
نظر و نیاز اور لنگر میں چکن کے استعمال میں اضافہ. منافع خوروں نے مرغی کا گوشت 10 روپے فی کلو مہنگا کر دیا. برائلر دکانوں پر 180 روپے فی کلو پر فروخت ہونے لگا. گڑی شاہ میں چوری کی بڑی واردات. چور گھر کا دروازہ توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سونا چاندی اور نقدی لوٹ کر فرار. اریالہ جیل سے نواز شریف اور حنیف عباسی کی تصویر لیک ہونے کا معاملہ. دو رکنی تحقیقاتی کمیٹی آج اریالہ جیل میں جا کر تحقیقات شروع کرے گی. کمیٹی موبائل کیمرے کے سپرنٹینڈنٹ آفس تک جانے کی انکوائری کرے گی. کھیل کے میدان میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز. لاہور کی رہائشی 4 بہنیں پہلی بار ایک ساتھ ایشین گیمز میں شرکت کریں گی. 8 رکنی قومی پاور لفٹر ٹیم دبئی روانہ. نجی ایئر لائنز کی پرواز میں فنی خرابی کے باعث 3-3 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی.